अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो है एप्सन प्रिंटर के हेड क्लीनिंग से रिलेटेड। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगली वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए हेड क्लीनिंग का। अगर आपके पास एप्सन का प्रिंटर है और उसका रिजल्ट पहले जैसा ना रहा, ख़राब हो गया है या उसके नोज़ल ब्लॉक हो गए हैं, बंद हो गए हैं, तो उसके साथ आपने क्या करना है और कौन सा हेड क्लीनिंग करके आप वो नोज़ल वगैरह वो चीज़ें साफ़ करके रिज़ल्ट अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी ऑन करें ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक बआसानी और बर वक्त मिल सके। दोस्तों, एप्सन का हेड क्लीनिंग दो तरीक़ों से किया जा सकता है, जिसमें आम तरीका ये है कि अगर आपके सिस्टम में एप्सन का प्रिंटर इंस्टॉल है तो आपके विंडो के दाएँ साइड पर सबसे नीचे उसका आइकान बना हुआ नज़र आएगा, जो माउस के सिरे पर आपको नज़र आ रहा है। इसको राइट क्लिक करना है, एक लेस सा खुलेगा, यहाँ पर नोज़ल चेक और नीचे हेड क्लीनिंग, पेपर पीड, जो भी आप करना चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं। या आपने हेड क्लीनिंग पे क्लिक करना है, जो इस तरह का एक विंडो साहब के सामने खुलेगा और नीचे जो स्टार्ट नज़र आ रहा है आपको, जब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर का जो है हेड क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये तरीका अगर आपके रिजल्ट में थोड़ा सा लाइन मिस हो रहा है तो उसके लिए, अगर आपके प्रिंटर के नोज़ल्स ब्लॉक है और रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है तो इसके लिए यूज़ करना है एडजस्टमेंट प्रोग्राम। एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर है, मैंने पिछली वीडियो में इस पे जो है डिटेल वीडियो बनाई थी। आपने उसको कॉल के पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड पे जाना है और यहाँ अगर आप देखें तो मेंटेनेंस लिस्ट में हेड क्लीनिंग, एंक चार्ज, वेस्ट एंक पेड, काउंटर, शिपिंग सेटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जो है जाके हेड क्लीनिंग पर क्लिक करना है, जो मेंटेनेंस लिस्ट में सबसे ऊपर है, और ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने हेड क्लीनिंग का ऑप्शन जो है वो साफ नज़र आएगा। अगर आप प्रेशर से अपने प्रिंटर को जो है क्लीन करना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि आपके प्रिंटर के नोज़ल जो है वो ब्लॉक हो गए, तो उसके लिए बेस्ट जो है क्लीनिंग यही है। आपने यही सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपने प्रिंटर को क्लीन करना है। इसके अलावा आपका आप इसका रिज़ल्ट जो है, ये प्रिंट का निशान जो है माउस के सिरे पर, यहाँ पर क्लीनिंग के बाद यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं और इसका रिज़ल्ट भी हासिल कर सकते हैं। इस टाइप के क्लीनिंग में इंक थोड़ा ज़्यादा ज़ाया हो सकता है, लेकिन अगर आपके प्रिंटर के नोज़ल ब्लॉक हो, बंद हो, तो वो आसानी से खुल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।